तो बच्चों अब हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द का अध्ययन करेंगे। अशुद्ध शब्द क्या होते हैं और शुद्ध शब्द क्या होते हैं ये आप पहले जान लीजिए। अशुद्ध शब्द वो होंगे जिन शब्दों में या तो मात्राओं की गलती होगी या फिर उनमें कुछ ना कुछ वर्ण की गलती होगी, ठीक, जिसकी वजह से वह जो शब्द होगा वो गलत होगा, उनको बोलते हैं अशुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द वो होंगे जिनमें ना वर्ण ना ही मात्राओं की गलती होगी, वो शुद्ध शब्द होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ अशुद्ध और शुद्ध शब्द लिखे हुए हैं, मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूँ जिसमें मुझे लग रहा है कि आपको ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द बताने ज़रूरी हैं। अब मैं आपकी हर पार्ट के बाद शुद्ध और अशुद्ध शब्द के बारे में एक वीडियो आपको ज़रूर दूंगा, जिससे आप गलत शब्दों को ना लिखकर सही शब्द बना पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुद्ध शब्द लिखने की अभ्यास करना है, ठीक बच्चों। तो हम शुरुआत करते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं जो आपको जानने हैं। सबसे पहले बीमारी, बीमारी यानी कोई भी रोग हो जाना यानी बीमारी, इसका सही शब्द है बीमारी। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बा में कौन सी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा, जबकि लगनी चाहिए कौन सी, बड़ी ई की मात्रा। तो ये वाला गलत है, ये वाला सही है। दूसरा है तीसरी और तीसरी, ये जो शब्द है तीसरी, हम कक्षा तीसरी में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ता में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जबकि लगना चाहिए बड़ी की मात्रा, ताकि तीसरी शब्द हम पढ़ें ना कि तीसरी। फिर तीसरा शब्द है चाहिए, तो सही शब्द है इसका चाहिए, ठीक है। आप क्या लिख रहे हैं बहुत सारे बच्चे, चाहिए, जो गलत है। चाम जो हा है, हा में बड़ी की मात्रा ना लग के इसमें हा में लगेगी छोटी की मात्रा। चौथा नंबर है किया, किया नहीं होता, किया होता है, किया, जैसे मैंने काम किया, आपने कुछ काम किया, तो की का में छोटी की मात्रा या और या में आ का डंडा, ठीक है। तो इसके बाद जो आ है ये नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, या। पांचवा है सूरज, सभी बच्चे क्या कर रहे हैं कि सूरज में छोटा की मात्रा लगा रहे हैं, जबकि लगना चाहिए बड़ा उ की। इसके बाद है छठवा स्कूल, शुद्ध शब्द है स्कूल, जबकि क्या लिख देते हैं अशुद्ध शब्द में, आधा सा ना लिख के पूरा सा लिख देते हैं स्कूल, तो गलत है ये, सा पूरा नहीं आएगा, सा क्या आएगा, आधा स, इससे आधा सा, का में बड़ों की मात्रा और ला, तो हो जाएगा स्कूल। इसके बाद बाहर है ना, बाहर, तो ये बाहर गलत है, क्या होना चाहिए, बाहर, जैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, इसमें हमें आ की मात्रा नहीं आएगी, आ की मात्रा जो आप देख रहे होंगे हाँ में सिर्फ हाँ आएगा, आ की मात्रा नहीं आएगी। फिर है मुझे, मुझे में बड़ों की मात्रा नहीं आएगी, छोटाओं की मात्रा आएगी, कहते हैं मुझे कुछ काम है। इसके बाद तनिक, जब हम पार्ट एक में हमने पढ़ा था तनिक शब्द, तो तनिक जो होता है उसमें बड़ी की मात्रा ना लगकर छोटी की मात्रा लगती है, ये गलत है, ये वाला सही है। दसवां शब्द है झगड़ालू, झगड़ालू में आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ला में छोटाऊ की मात्रा, जबकि लगना चाहिए बड़ाऊ की मात्रा, तो ये सही है, ये गलत है। तुम्हें, ग्यारहवां शब्द है तुम्हें, तुम्हें में मैंने यहाँ पर माँ पूरा लिखा है और यहाँ पर आधा माँ, तो ये तुम है नहीं है, यल्की है तुम है, जिसमें आधा माँ आता है। बारहवां शब्द है तुम्हारा, तुम्हारे में माँ पूरा नहीं आएगा बल्कि आधा आएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा, हम बोलते हैं ना ये काम तुम्हारा है, इस तरह से। फिर है दोस्त, दोस्त यानी मित्र, दोस्त में ये जो सा है सा पूरा नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, आधा सा, तो ये हो जाएगा दोस्त ना कि दोसत। उसके बाद चिड़िया, चिड़िया में यहाँ पर छोटे की मात्रा आएगी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगी है, ये गलत है, ये वाला सही है। ये पूरे जो शब्द हैं ये गलत हैं और ये वाले सही हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं अशुद्ध और शुद्ध शब्द। तो ये आज मुझे बताना था,
इससे आपका जो शब्द लिखने की अभ्यास होती रहेगी। धन्यवाद।